भाई साहब गांव में रहना आसान नहीं है, और आग लगा रहा है किसी को नहीं पता। सो गाइस इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस तरह की रील वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सो आप भी इस टाइप की रील वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देख लेना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस इस टाइप की एडिटिंग सीखने के लिए आपको ये दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन कैपकट, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और सेकंड एप्लीकेशन टर्बो वीपीएन, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। सो डाउनलोड करके आपको वीपीएन को कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करके आपको सिंपली कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ऊपर की तरफ न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पे टैप कर देना है, एंड यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको अपनी गैलरी में से अपनी वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके सिंपली ऐप के अंदर एड कर लेना है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो ऐप के अंदर एड हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो, तो एड कर लेना। देन आपको अपनी वीडियो की ऑडियो को म्यूट करना होगा, तो सिंपली आपको इस वाले बटन पे टैप करना है एंड इसकी ऑडियो को आपको म्यूट कर देना है। ओके, तो ऑडियो को म्यूट करने के बाद फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे ऐड ऑडियो लिखा है, इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको एक्सटर्न वाले बटन पे टैप कर देना है। देन आपको अपनी गैलरी में से रील वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसका आप ऑडियो यूज करना चाहते हो, तो रील वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। देन उसको रील वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको नीचे एक्सटर्न एंड ऐड ऑडियो, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। तो जैसे टैप करोगे तो रील वीडियो में से साउंड कन्वर्ट होके ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। तो रील वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डाउनलोड करके सिंपली आपको रील वीडियो में से ऑडियो को कन्वर्ट कर लेना कुछ इस तरीके से। तो ये करके फ्रेंड्स आपको वीडियो के लास्ट में आ जाना है। तो यहाँ पे आपको अपने ऑडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग सिंपली आपको अपने वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। तो यहाँ तक हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जो ऑडियो है, सिंपली आपको ऑडियो के यहाँ पे आ जाना। ओके, एंड पीछे से आपको मैं बता देता हूँ कि पीछे से आपको यहाँ पे आना। ओके, इस वाली पोजीशन पे आपको आ जाना है। देन आपको अपने वीडियो पे टैप करना एंड नीचे की तरफ आपको स्प्लिट वाले बटन पे टैप करके सिंपली आपको अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना। ओके, तो आपको ये परफेक्ट तरीके से ऐड कर लेना। सो ये ऐड करके फ्रेंड्स आपको वीडियो को स्टार्टिंग में आना है एंड नीचे की तरफ आपको इफेक्ट वाले बटन पे टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो सिंपली आपको ऊपर की तरफ हॉलो ब्लर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको ऊपर की तरफ राइट वाले बटन पे टैप कर देना है, तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो ये ऐड होने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे एडजस्ट वाले बटन पे टैप करना है एंड इसकी इंटेंसिटी को आपको फुल करना है, स्पीड को आपको जीरो कर देना है एंड राइट वाले बटन पे आपको टैप कर देना है, तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो इसकी लेंथ को आपको यहाँ तक करना है, जहाँ तक आपने फर्स्ट स्प्लिट ऐड करा था वहाँ तक आपको इसको ऐड कर देना है। ओके, सो ये करके फ्रेंड्स आपको सेकंड वाली वीडियो क्लिप है इसके ऊपर आपको टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको एनिमेशन वाले बटन पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, इनका, आउट और कॉम्बो, तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको इन वाले को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको कई सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, तो सिंपली आपको जो भी एनिमेशन है इसमें पसंद हो सिंपली आपको इसको एक को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड नीचे की तरफ आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है, तो इसमें ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो आपको ये ऐड कर लेना है। सो ऐड करने के बाद फ्रेंड्स अब ये जो हमारी सेकंड वाली वीडियो क्लिप है इसके यहाँ पे आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इफेक्ट वाले बटन पे टैप करना है एंड वीडियो इफेक्ट वाले बटन पे आपको टैप कर देना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ नाइट कलर वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो सिंपली आपको इनको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है एंड नीचे की तरफ आपको ब्लैक प्लस टू नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको ऊपर राइट वाले बटन पे टैप कर देना है, तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो ऐड कर लेना। देन इसकी लेंथ को आपको यहाँ तक करना है, जहाँ तक आपका वीडियो है वहां तक आपको इसको ऐड कर लेना है। ओके, ये करके आपको यहाँ पे आना है, जहाँ पे मैं आ रहा हूँ वहाँ पे आपको आ जाना। ओके, एंड नीचे की तरफ आपको वापस से इफेक्ट वाले बटन पे टैप करना है, देन वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है, देन ऊपर की तरफ आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको देखो कई सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे की तरफ आपको फेड इन वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है एंड ऊपर की तरफ आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है, तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा जैसे कि देख सकते हो। एंड इसकी लेंथ को आपको कुछ इस तरीके से छोटा करना है। ओके, आधा पार्ट तो आपको इधर वाली वीडियो क्लिप में ऐड करना है और आधा पार्ट आपको इधर वाली वीडियो क्लिप में ऐड करना है। तो ये परफेक्ट तरीके से आपको ये ऐड कर लेना है
एंड इसी के साथ यहाँ पर हमारा वीडियो रेडी हो चुका है। तो आपको वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैपना है, देन आपको अपने वीडियो को गैलरी में सेव लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके और पे प्रेस करना, जिससे हमारे ट्रेनिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब कर लेना।